कल के मुंबई और हैदराबाद के शानदार मुकाबले के बाद आज एक और धमाकेदार मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। दोबारा से मैदान पर दिखने वाले हैं ऋषभ पंत, क्योंकि आज आईपीएल में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती होगी। शाम 7:30 बजे से ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। वही दोनों जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने होंगी। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब जाहिर सी बात है कि आज ऋषभ पंत की टीम को सीजन की पहली जीत का इंतजार होगा। इससे पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने हुई थी। उस मैच में संजू सैमसन की टीम को 20 रनों से जीत मिली थी। संजू सैमसन ने 82 रनों की नॉकआउट पारी खेली थी। इस पिच की बात की जाए तो बल्लेबाजी आसान रहती है, बल्लेबाज आसानी से लंबे शॉट खेल पाते हैं, लेकिन साथ ही पिच में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। राजस्थान रॉयल्स के पास स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल होंगे। चोट के बाद तेज गेंदबाज एनरिक नॉटे दिल्ली टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। नॉटे पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेल सके थे और उनकी टीम में लौटने से दिल्ली के तेज गेंदबाज आक्रमण को मजबूती मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के खिलाफ पहले मैच में पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं शामिल किया था। शाई होप उस मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन उन्होंने 25 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ को पिछले मैच में नहीं खिलाने पर कुछ सवाल भी उठे थे। हो सकता है कि आज इस भारतीय बल्लेबाज को मौका दे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होप को फिर से मौका दिया जाएगा या नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोनों टीमों ने अब तक 27 मैच खेले हैं, जिनमें राजस्थान रॉयल्स ने 14 और दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मैच जीते हैं। हालांकि सवाई मानसिंह स्टेडियम पर दोनों टीमों के बीच हुए कुल 6 मुकाबले में स्वाभाविक तौर पर घरेलू टीम 4-2 से आगे है। आप आज के मुकाबले में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।